ससुराल जा रहा था। कालू भैया, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। टूनी चिड़िया, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, अपनी पत्नी गोरी को लेने। कालू दोस्त, अकेला अकेला जा रहा है ससुराल, मुझे भी अपने साथ ले चल। ठीक है मिट्ठू तोते, आप भी मेरे साथ चलें। कालू, बस 2 मिनट रुक जा, मैं अभी नहाकर आता हूँ, फिर चलेंगे। फिर मिट्ठू तोता नदी में नहाकर तैयार हो जाता है और वह दोनों ससुराल चले जाते हैं, जहाँ गौरी कव्वी कालू का इंतजार कर रही थी। आ गए मेरे कालू जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आने में बड़ी देर कर दी। गौरी मेरी जान, आ तो मैं पहले ही जाता, लेकिन दोस्त मिट्ठू की वजह से लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया। कालू की सास कालू का स्वागत करती है, उसे नाश्ते में चाय बर्फी देती है। कालू कौवा तो बहुत खुश था, क्योंकि आज से पहले उसका ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। अरे मिट्ठू दोस्त, जरा देखो ये कैसे हमारी खातिरदारी में लगे हुए हैं। पहले का नाश्ता तो खत्म नहीं हुआ और ये लाए जा रहे हैं। अरे ना समझ कालू, ससुराल में तो ऐसा ही होता है, इसीलिए तो मैं आपके साथ आया हूँ। ठीक है, तू थोड़ा कम ही खाना, ये मेरा ससुराल है। वो दोनों ऐसे ही चुप चुप बतला रहे थे कि तभी गोरी कवि की माँ वहाँ आ जाती है। कालू दामाद जी, कुछ खाओगे भी या बातें ही करोगे, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ माँ जी, हम खाते हैं, हम सब खाते हैं। फिर कालू कौवा नाश्ता खा लेता है और मन ही मन सोचता है, यहाँ तो मेरे मजे ही मजे हैं, मैं तोते को यहाँ से भेज देता हूँ और खुद 2-4 दिन रुक कर जाऊंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा मिट्ठू तोते को बाहर घुमाने लाता है और उससे कहता है, मिट्ठू तोते आप चले जाएं, मैं 1-2 दिन अपने ससुराल में रुक कर आऊंगा। लेकिन कालू यार, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं भी आपके साथ रुक जाता हूँ। नहीं नहीं मिट्ठू, आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप अपने ससुराल में रुकना, अब यहाँ से चले जाओ। कालू की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। अरे दामाद जी, आपका दोस्त कहाँ गया? मैं तुम दोनों के लिए दूध जलेबी लाई हूँ। माँ जी, उसे घर पर जरूरी काम था, इसीलिए वो तो चला गया। मैंने उसे खूब रोका, लेकिन वह नहीं रुका। कम से कम अपनी विदा तो ले जाता, बिना बताए ही चला गया बेचारा। माँ जी, इसमें चिंता करने की क्या बात है, आप मुझे विदा दे दें, मैं उसे घर जाकर दे दूंगा। फिर वह तीनों दूध जलेबी खाकर सो जाते हैं और अगले सुबह गौरी की माँ कालू से कहती है, कालू दामाद जी, आप नदी पर जाकर नहा लें, मैं तब तक आपका नाश्ता बना देती हूँ। फिर कालू कौवा नदी पर नहाने चला जाता है और इधर कालू की सास उसके लिए कई तरह के पकवान बना लेती है। गौरी बेटी, दामाद जी की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, आप उनसे पूछ लेती उन्हें खाने में क्या पसंद है। मम्मी, आपने भी इस तरह के पकवान तो बना दिए हैं, मुझे नहीं लगता शायद कोई कमी होगी। ठीक है बेटी, दामाद जी का खाना आप खुले में लगा दे, शायद घर में उन्हें गर्मी लगे। इस तरह से कालू कौवे की खूब खातिरदारी होती है, जिसे देखकर कालू कौवा अपने घर ना जाने की ही ठान लेता है। अब तो 1-2 महीने यही ठाट से रहूंगा, यहाँ जैसी मौज कहाँ मिलेगी, और वैसे भी सासू माँ तो मुझे जाने के लिए बोलेंगी नहीं। ये कालू तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है मुझे ही पूछना पड़ेगा। गोरी, आप क्या सोच रही हो, मुझे समोसा दो। कालू जी, हम घर कब चलेंगे? क्या गौरी, आपका अपने घर में मन नहीं लग रहा, जो जाने का पूछ रही हो? कालू जी, मन तो खूब लग रहा है, लेकिन आप यहाँ मुझे लेने आए थे, मुझे लगा आप शायद भूल गए हो, इसीलिए याद दिला रही थी। गौरी, मुझे सब याद है, जब मेरा मन जाने का करेगा तब आपको बता दूंगा। तो
कभी कभी कालू की यह बात सुनकर चली जाती है और कालू कौवा चारपाई पर सो जाता है। फिर कालू कौवे को ऐसा करते हुए दोहत्ते का समय निकल जाता है। मम्मी, ये कालू तो चलने का नाम नहीं ले रहा। हाँ गोरी बेटी, कह तो नहीं सकती हूँ क्योंकि वो इस घर का इकलौता दामाद है, परंतु अब उसे अपने मन से जाना चाहिए। आस पड़ोस वाले भी मुंह बनाकर देखते हैं। मम्मी, मैंने तो कई बार कह दिया पर कालू जी चलने का नाम ही नहीं लेते। फिर दोनों माँ बेटी ऐसे बातें करते हुए कालू को भेजने की योजना बनाती है। ये लो दामाद जी, भोजन खा लो। ये क्या माँ जी, आज सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ मिर्ची बनाई है। हाँ दामाद जी, आज मिर्ची बनाई है। आप खेत जाकर सब्जी तोड़ लाना, मैं फिर सब्जी बना दूंगी। क्या माँ जी, आप अपने इकलौते दामाद से काम कराओगी? क्या बताऊँ कालू बेटे, आपसे काम कराने का तो जरा भी मन नहीं है, लेकिन आज मेरे पंख में दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, मैं आज सब्जी ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा सब्जी तोड़ने चला जाता है और ताजी ताजी सब्जियाँ तोड़ लेता है। तभी उसे टोनी और कबूतर भी मिल जाते हैं। अरे कालू भैया, आप तो गोरी कौवे को लेने गए थे लेकिन अभी तक घर नहीं गए। चिड़िया बहन, मेरी सासू माँ मुझे आने ही नहीं देती, बहुत प्यार जो करती है मुझसे। कालू, अगर प्यार करते हैं तो अपने इकलौते दामाद को सब्जी लेने क्यों भेजा? कबूतर, आज उनके पंख में दर्द हो रहा था इसीलिए मुझे भेजा, वरना मुझसे तो वह एक भी काम नहीं कराते। कालू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गोरी की माँ ने बहुत लाड से घर में रखा है। हाँ कालू कवे, जब तुम्हारा ससुराल की खातिरदारी से जी भर जाए तो अपने जंगल भी आ जाना। फिर वह दोनों ऐसे बातें कर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा भी सब्जी लेकर घर आ जाता है। ये लो गोरी, मैं ताजी ताजी गोभी ले आया, अब जल्दी से मेरे लिए गोभी के पकौड़े बना दो। कालू जी, माँ के पंख में बहुत तेज दर्द है तो मैं उन्हें लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जा रही हूँ। पर गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मेरे लिए पकौड़े बना दो फिर चले जाना। अरे गोरी बेटी, जल्दी चल, मेरा पंख का दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चल। देखा कालू जी, माँ के पंख में कितना तेज दर्द है और आपको पकौड़े खाने की पड़ी है। मैं तो चली माँ को दवाई दिलाने, आप खुद से पकौड़े बनाकर खा लें। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपनी माँ को लेकर चली जाती है और कालू कौवा तो बहुत भूखा था। वो दोनों तो चली गई, अब मुझे ही जैसे तैसे पकोड़े बनाने होंगे वरना भूखा ही रहूंगा। गोरी बेटी, दामाद जी को खाना बनाना तो आता है या नहीं? कहीं वो इस नाटक के चक्कर में भूखे ही ना रह जाएं। नहीं मम्मी, कालू जी को खाना बनाना तो आता होगा, आप चिंता ना करो, अपना पेट तो वो भर ही लेगा। गोरी और उसकी माँ ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि कालू कौवा अपने घर जाने को तैयार हो जाए। वो दोनों माँ बेटी कुछ दिन ऐसा ही नाटक करती है। कालू जी देखो ना, माँ के पंख के इलाज में कितना पैसा खर्च हो गया है और अब तो आप भी इस घर के सदस्य हो, तो आप कुछ पैसों का सहारा दें। गोरी, मैं दे तो देता परंतु मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। कालू जी, आप पैसा कमा कर लाएं जिससे घर का गुजारा हो। मैं इस घर का इकलौता दामाद हूँ और तुम मुझे कमाने के लिए बाहर भेज रही हो, लोग क्या कहेंगे? कालू जी, आप कोई मेहमान नहीं है, पुराना मेहमान गधे बराबर होता है, थोड़ी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। गोरी कौवे की यह बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और तुरंत ही अपनी सासू माँ के पास जाता है। आज्ञा दे माँ जी, मैं अपने घर गोरी को लेकर जा रहा हूँ। कालू दामाद
प्रसाद जी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, एक दो दिन और ठहर जाते। नहीं नहीं माँ जी, अब मुझे अपने जंगल की याद आ रही है। और गौरी, तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम अभी निकलते हैं। फिर गौरी कव्वे की माँ उन दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, मेहमान बस कुछ ही दिनों के लिए अच्छे लगते हैं, अगर उससे ज्यादा घर में रहे तो रिश्तों में खटास पड़ जाती है। यह कहानी एक मुनमुन चिड़िया की है। वो अपनी बेटी के साथ घर में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से जोरों का तूफान आता है और उसका घर टूट जाता है। मम्मा, इस तूफान ने तो हमारा सारा घर तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया, मैं आपको मीना मौसी के घर छोड़ आती हूँ, जब घर बन जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मा, मैं आपके घर बनाने में मदद करूंगी, मुझे नहीं जाना मौसी के घर, अभी आप बहुत छोटी हो और सर्दी भी जोरों की पड़ रही है, ऐसे में आपको बिना घर के ठंड लग जाएगी, इसलिए घर तो मैं ही बना लूंगी, कुछ दिन आप अपनी मौसी के घर रहो। ऐसे बातें कर चिड़िया अपनी बेटी के साथ थोड़ा अनाज लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो शाम होने तक मीना मौसी के घर पहुँच जाती है। मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ मुनमुन चिड़िया। मुनमुन चिड़िया कई बार आवाज लगाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक बूढ़ी चील वहाँ रुक जाती है। मीना चिड़िया तो यहाँ पर नहीं है, वो कई दिनों से जंगल से बाहर गई है। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मीना मौसी तो पता नहीं कब आएंगी, अब मैं अपनी बेटी को लेकर किसके घर जाऊँ, थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी से एक अनजान पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। आप दोनों कौन हैं और हमसे क्या काम है? भैया जी, मैं दूसरे जंगल से मीना मौसी के घर आई थी लेकिन वो घर पर है नहीं और बारिश भी शुरू हो गई है, तो कृपया कर आप हमें कुछ देर के लिए अपने घर में आसरा दे दें, मैं बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, पहले मैं अपनी पत्नी गौरी को बुला के लाता हूँ, तब तक आप यहीं पर रहना। कालू जी, कौन आया था इतनी तेज बारिश में? गौरी जी, मीना चिड़िया की कोई रिश्तेदार है, मीना तो घर पर है नहीं, इसीलिए बारिश बंद होने तक आसरा मांग रही है। नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती अपने घर में आसरा, जाओ उस चिड़िया से आप मना कर दो। लेकिन गौरी जी, उसके पास एक पोटली है, आप एक बार जाकर उससे बातें तो करो। क्या कहा, उसके पास पोटली है? मैं अभी जाती हूँ। मैं अपने घर में किसी को फ्री में नहीं रहने देती, आपको मुझे कुछ तो देना होगा, तभी मैं आपको अपने घर के अंदर आने दूंगी। कवि जी, मेरी इस पोटली में अनाज है, आप इसमें से थोड़ा सा ले लेना, परंतु हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे। ठीक है आप दोनों अंदर आ जाओ और अपने पैरों को पोंछ कर आना, घर गीला नहीं करना मुझे। फिर गौरी कवि एक घोंसला चिड़िया को दे देती है और उससे कहती है, आप दोनों इस घोंसले में रहना और मुझे इस पोटली में से आधा अनाज किराए का दे दें। फिर चिड़िया आधा अनाज गौरी कव्वे को दे देती है। गौरी वो अनाज लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। कालू जी, आज तो मजे ही आ गए, जो ये चिड़िया हमारे घर पर आई और बैठे बिठाए फ्री में अनाज भी मिल गया। गौरी, मैंने चाय बनाई है, आप ये दो प्याले चाय उन माँ बेटी को भी दे दें, बेचारी बारिश में भीग गई हैं। वो हमारी रिश्तेदार थोड़े ना है जो उन्हें चाय दे दें। आप चुप करके सो जाओ, सारी चाय मैं पी लेती हूँ, आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते हैं, लेकिन मुनमुन चिड़िया को तो नींद नहीं आ रही थी, वो अपनी बेटी को पंखों में छिपाए बैठी हुई थी। ये गौरी कव्वे तो बहुत चालाक है, बस जल्दी से बारिश
रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल चली जाऊंगी। ऐसे विचार करते हुए चिड़िया देर रात होने पर सो जाती है और सुबह होते ही दरवाजे पर आकर देखती है। हे भगवान, ये बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही, अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। देखो चिड़िया, बारिश तो आज भी हो रही है, अगर तुम्हें आज भी घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दो। लेकिन गोरी कव्वी, मैं पहले ही आधा अनाज आपको दे चुकी हूँ, अगर ये अनाज भी हमने तुम्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता, अगर मेरे घर में रहना है तो बाकी का अनाज तो देना ही होगा, वरना मेरे घर से अभी चली जाओ। लेकिन गोरी, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे, और अनाज आपको दे दिया तो हम